जय श्री हरि। बंधु सन्मुख जाने पर, सामने जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। तब श्री रघुनाथ जी तो आप पर दया क्यों नहीं करेंगे? तो रावण को मंदोदरी जी समझा रही हैं कि आप भगवान के सामने जाइए, उनकी शरण जाइए, सामने जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता, वो तो श्री राम जी हैं, दया के निधान हैं, आपकी बात को अवश्य समझेंगे, आपको शरण देंगे। इस प्रकार से समझाती हुई कह रही हैं। तो इसी संदर्भ में बाघ की बात आ गई कि सन्मुख जाने पर बाघ खाता नहीं। तो क्या इस विषय में आजकल आप सुनते होंगे, बाघों के विषय में बहुत सारी बातें, उत्तराखंड आदि में बाघ ले जाते हैं, उठा के खा जाते हैं, मनुष्यों को खा भी रहे हैं, कुछ मनुष्य भक्षी बाघ हो गए हैं, तेंदुए भी कुछ मनुष्य भक्षी हैं, किंतु यहाँ बाघों की बात कही गई है। तो ये श्री रामचरित मानस के संभवतः छठी छठा जो दोहा है उसके उपरांत की चौपाई है। आइए कुछ देखते हैं, संदर्भ में बाघों के विषय में भी बताया गया है, देखते हैं क्या कहा है इसमें। कहा है, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनदयाल है, सन्मुख जाने पर तो व्याघ्र भी नहीं खाता। भाव है कि जब पशु में यह रीति है तब रघुराई की तो बात ही क्या। ये तो रघुवंश के राजा हैं, पुरुष सिंह हैं, स्वाभाविक ही दीनों पर दया करना उनका स्वभाव है। उनके सन्मुख जाने में तो स्वप्न में भी संदेह नहीं करना चाहिए। ऊपर दोहे में श्री राम जी को जानकी जी को देने को कहा। इस पर यदि रावण कहे कि मैं तो विरोध कर ही चुका और वे मेरे नाश की प्रतिज्ञा भी कर चुके तथा विभीषण का तिलक कर चुके, तब उनसे मिलने पर वे मेरे अपराध को कब क्षमा करने लगे, अवश्य मेरा वध करेंगे। इस संदेह के निवारणार्थ रघुराई और दीनदयालु कहा कि रघु के कुल से हैं और दीनों पर दया करने वाले हैं, और बाघ का दृष्टांत दिया कि वीर पशुओं तक का यह नियम है और वे तो रघुराई हैं, तब वे अपना विरध कब छोड़ने लगे। ऐसा कहकर रावण को शरण होने का उपदेश देती है मंदोदरी जी देती है। अब यहां पर कहा गया है कि बाघ के विषय में यह प्रख्यात है। अब बाघ की बात आ गई तो सुनिए, बाघ के विषय में यह प्रख्यात है कि उसके सम्मुख देखते रहने से वह हमला नहीं करता बल्कि राह छोड़कर बचा जाता है। बस सम्मुख, ऐसा यहाँ कहा गया है कि अगर बाघ के सम्मुख आप देखते रहोगे ना, नजर मिलाते रहोगे, तो वो हमला नहीं करेगा बल्कि रास्ता छोड़कर चला जाएगा। कहते हैं कि दृष्टि इधर उधर होने पर ही वह मारता है, इधर उधर देखने लगोगे तब वो मरेगा। बाघ का अर्थ यहाँ प्राय सबने सिंह किया है, पर मानसकार बाघ और सिंह को पर्याय शब्द नहीं मानते। जो मानस के रचनाकार हैं वो बाघ और सिंह को पर्यायवाची शब्द नहीं मानते। यदि ये दोनों अभेद होते तो कवि दोनों को एक साथ कभी ना लिखते, के एक स्थान पर लिखा होगा कहीं कहीं दोनों को, तो एक रामायणी जी श्री राम बालक दास जी, एक रामायणी जी हैं, रामायण के जो विद्वान होते हैं उन्हें रामायणी जी कहते हैं। एक रामायणी जी उस समय जब ये लिख रहे हैं उस समय होंगे श्री राम बालक दास जी महाराज, तो वो कहते थे कि विंध्याचल के जंगल में 9 हाथ के बाघ होते हैं जिनको केहरी कहते हैं, छोटी जाति वाले को बाघ, तेंदू व चीता भी कहते हैं। तो ये विंध्याचल जो है संभवतः ये आज का हो सकता है मिर्जापुर ही हो, मिर्जापुर में संभवतः विंध्याचल है, मिर्जापुर ये संभवतः काशी के आसपास पड़ता है कहीं, तो मिर्जापुर में श्री राम बालक दास जी कहते हैं, वहां पर मिर्जापुर के जंगलों में 9 हाथ के बाघ होते हैं जिनको केहरी कहते हैं, और छोटी जाति वाले को बाघ, तेंदू व चीता भी कहते हैं। तो 9 हाथ बाघ समझते हो आप? अभी आप अपने हाथ की लंबाई जरा नापो तो कम से कम नहीं तो 3 फीट के आसपास होगी आपके हाथ की लंबाई। अगर आप 2 फुट भी मानो, 2 नीम 18 फुट के बाघ, यानी एक घर का माथा जितना चौड़ा होता है, लगभग उतने उससे भी अधिक बड़े बड़े बाघ जिनकी लंबाई खड़े होके 18 फुट हो जाए, के इतने लंबे लंबे बाघ होते थे।
क्योंकि आजकल तो हम सुनते हैं कि जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, वो रशिया रूस के साइबेरिया के जंगलों में 12 12 फुट के होते हैं, और हमारे भारत में भी 8 से 10 फुट के, 10 10 फुट के बाघ होते हैं। और संभवतः जो एक सुनने में आता है जिम कॉर्बेट नामक जो नेशनल पार्क जिनके नाम पर है, जिसके नाम पर अंग्रेज के नाम पर है, वह अंग्रेज भी उसने भी बाघ मारे थे। बहुत बड़े बड़े बाघ हैं, वर्णन किया है मुझे नहीं पता कितने बड़े हैं, किंतु एक छवि में मैंने देखा था कि वो जिम कॉर्बेट उनके सामने बहुत, बाघ के सामने बहुत छोटा लग रहा था। तो बाघ की उपमा देकर शरणागति की महिमा यहाँ पर दिखाई है कि बाघ के सामने यदि दीन हो जाइए, विनम्र हो जाइए, अर्थात भूमि पर लंबा पड़ जाइए, तो बाघ भी मुर्दा जानकर छोड़ देता है, नहीं मारता, क्योंकि बाघ मुर्दा नहीं खाता, जिंदा मारकर खाता है। देखो ऐसा इसमें कहा है, शास्त्र की जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या कुछ संतों के आधार पर है, कुछ उनके अनुभव हैं, उस आधार पर कहा गया है। आप ऐसा करने मत लगना, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि ऐसा बाघ के सामने जानबूझकर पड़ जाओ। आपत्ति काल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उस समय कुछ बात अलग है, क्योंकि कई जगह, अब आप बाघों की कहानी सुनेंगे उनमें कई सारी बातें हैं, हम तो यहाँ शास्त्र के माध्यम से बता सकते हैं। तो जिंदा मारकर खाता है बाघ, मुर्दा नहीं खाता। स्कूल के लड़के भी पढ़ाए जाते हैं कि भालू और बाघ के सामने भूमि में लंबा पड़ जाने से वह नहीं मारता। स्कूल के बच्चों को उस समय पढ़ाया जाता होगा ये कि बाघ और भालू के सामने भूमि पर जम्बा लंबा लेट जाओ, वो नहीं मारता। बाघ से नेत्र मिलाए रही है तो नहीं मारता, ऐसा ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि कब तक आंख मिला रहेगा, जो ही नेत्र झपकेगी उसने खाया। दूसरे इस अर्थ में प्रसंग विरोध होगा, क्योंकि नेत्रों का मिलान तो बराबरी का दाव सूचित करता है, और मंदोदरी तो दीन होने को कह रही है जिसमें प्राण अवश्य बच जाएं। तो बाघ के सामने लंबा पड़ जाने से प्राण बच जाएंगे, वह केवल सूंघ कर चला जाएगा। अब एक पंडित श्रीकांत शरण जी लिखते हैं, होंगे एक पंडित श्रीकांत शरण जी, नेपाल राज्य मिथिला देश के पंडोल ग्राम में एक बार जमीन का सरकारी सरकारी बंदोबस्त हो रहा था। लोगों ने दिन में ही एक भारी बांस की आड़ में छिपे हुए दो बड़े बड़े बाघों को देखा। शीघ्र ही उन्होंने बंदूक वाले राज्य कर्मचारियों से आकर कहा, उन्होंने आधे फरलांग की दूरी से उन पर गोलियां चलाई, पर बांसों के कारण निशाना चूक गया। निदान दोनों बाघ उधर को ही वेग से टूट पड़े। अब एक तो आधे फरलांग की दूरी पर थे वो, और वहां से गोली चलाई, निशाना चूक गया, बाघ झपट पड़े। सामान्यतः ऐसा मैंने सुना है कुछ एक कथाओं में, कहानियों में, कि ये जिम कॉर्बेट से संबंधित, कि बाघ यदि छलांग बाघ पर यदि गोली चलाओ तो अधिकतर तो वह दूर भाग जाएगा उछल के, लेकिन संभवतः ये उसके बहुत पास थे, वो बाघ परेशान थे, कई सारे लोग घेरे खड़े थे, डरे हुए थे, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया, और आधे फलांग की दूरी पर थे तो वो इनके ऊपर बड़े वेग से टूट पड़े दोनों। वहां कुल 4 5 कर्मचारी और लगभग 25 मजदूर वगैरह थे, 30 के आसपास लोग थे। उनमें से कुछ भाग कर बच गए, दो तीन को मार दिया और 6 7 घायल हुए, परंतु एक कुली मारे डर के घबरा कर 4 अंगुल गहरी नाली में लंबा गिर पड़ा। बाघों ने औरों को झपट झपट कर मार डाला, जैसे बताया 4 5 मार डाले कर्मचारी, नहीं 2 3 मार डाले पीछे एक, लेकिन ये जो लंबा गिर पड़ा था, बाघों ने औरों को तो झपट झपट कर मार डाला, पीछे एक आकर इसकी पीठ पर अपने अगले पांव हल्के से रखकर खड़ा होकर हांफने लगा। मतलब अगर बाघ, सोचो जरा, बाघ अगर एक पांव भी आपके ऊपर भारी सा रख देगा, वैसे तो एक एक कहानी में हमने ये भी सुना था कि बाघ के एक पंजे से, अभी ये कांड संभवतः रामपुर जिम कॉर्बेट में हुआ है, संभवतः एक पंजे से बाघ ने एक व्यक्ति के 3 पसली तोड़ दी और फेफड़े में छेद कर दिया, और वो अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर, वहां से फिर दिल्ली
उसे भेजा गया अपोलो अस्पताल में, और 27 दिन उसे ठीक होने में लगे अस्पताल से निकलने में। अब भी पता नहीं उसका कैसी स्थिति है, वहीं का कर्मचारी था, कोई गार्ड था। एक और कहानी है, अभी कुछ ही दिन पहले की है, ये तो संभवतः ये सितंबर या अगस्त महीने की है, कि एक 15 महीने के बच्चे को बाघ लेके भाग रहा था मध्य प्रदेश में, और संभवतः कौन सा वहाँ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, ये सरिस्का है पता नहीं कौन सा है, तो खेत में अपने बच्चे के साथ थी, 15 महीने के बच्चे के साथ बाघ उसे लेकर भागा। वो कुछ कर रही होगी, इतने में बाघ लेकर भागा तो औरत ने उसे बचाया, तो बाघ ने जब उस पर पंजा मारा औरत पर, तो औरत के फेफड़े तक उसका पंजा पहुंचा और फेफड़ा लीक हो गया। तो मतलब बाघ का एक ही पंजा ये काम कर देता है। ऐसा भी हमने सुना है कि कई कई संभवतः छोटे भालू जो होते हैं उन पर अगर पीछे से भाग हमला कर देता है तो एक पंजे में उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और वो पैरालाइसिस हो जाते हैं और समाप्त। तो बाघ में होती बहुत शक्ति है, इसलिए ये इसलिए बात बता रहे हैं कि वो गहरी गहरी नाली में लंबा पड़ा था, बाघ चाहता एक पंजे में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता, जब वो भालू जैसे 150 किलो के पशु की हड्डी तोड़ देता है, स्वयं भी लगभग वो 180, 200, 150, 250, 300 इतने किलो का होता है, तो इतने किलो का व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए हमारे ऊपर तो थोड़ा तो प्रभाव रहेगा उसका। तो उसके ऊपर खड़ा हो गया और हल्का पांव रखा और हाँफने लगा, फिर दोनों जंगल की ओर वहां से 5 मील दूर भाग गए। उस पड़े हुए मजदूर को एक नख भी नहीं गड़ा और ना उस पर कुछ दबाव ही पड़ा। उसी ने मुझसे कहा और वहां के रसोइयों ने भी कहा कि हम लोगों ने भी इसे प्रत्यक्ष देखा है। तो अब यहां बात आई कि एक भी नख नहीं गड़ा। आप एक कथा और है, एक कहानी, एक तेंदु है, एक नाखून, कहीं तेंदुआ, एक उत्तराखंड की बात है, कहीं बहुत प्राचीन बात है, 50 ये संभवत जिम कॉर्बेट की पुस्तक से में ही देखी गई थी, उसी से किसी यूट्यूबर ने सुनाई है, एक विवेक अवस्थी जी नाम के यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने बताया कि एक औरत ने, एक ब्राह्मण देवता थे, मंदिर के पुजारी थे, उनकी धर्मशाला थी, उनसे कहा कि वो दूर से आ रही थी तो उसे डर लग रहा था कि अभी मुझे इतनी दूर और जाना है मेरे घर, और बाघ मुझे डर लग रहा है तेंदुए से, तो उन्होंने कहा आप जगह दे दो। उन्होंने कहा देखो बेटी जगह तो है नहीं, 50 लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जगह देता हूँ, तुम कहाँ जाओगी अकेले। तो उन्होंने सबसे पीछे स्टोर रूम था, एक एक संग्रह कक्ष था, वहां पर 50 व्यक्ति सो रहे थे, 50 व्यक्तियों के पीछे जाके वो कक्ष था, वहां पर उसे सुला दिया और उसे हम अपने घर चले गए सोने। तो तेंदुआ आया उन 50 लोगों को फांद के, उस औरत को भगवान जाने क्या शत्रुता थी, सूंघ लिया था, यहाँ की है पहचान लिया था, पीछा कर रहा था वहां से, क्या बात थी क्या नहीं, पर बहुत समझदार तेंदुआ था। उन 50 व्यक्तियों के से ऊपर से कूद फांद के गया, उस महिला को मारा, किसी को आवाज नहीं आने दी, महिला को उठाया, शक्ति देखो तेंदुओं की और बाघों की, तेंदुए तो बहुत छोटे होते हैं, 80, 50, 100 किलो के, 80, 100 किलो के ही होते हैं, उठा के उन 50ों के ऊपर से लेके चला गया, किसी को पता नहीं पड़ा। एक औरत के हल्का सा नाखून लगा, सब वो चिल्लाई, बिच्छू ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, सब लोग उठे, तेंदुआ इतने में बाहर भाग गया, उसे बाहर जहां भी खा रहा था उसे खाने के लिए ले गया, मार तो दिया ही था और आवाज भी नहीं हुई, और जो कह रही थी बिच्छू ने काट लिया, लोगों ने देखा क्या हुआ, तो एक जगह से उसके खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था। तो मतलब अनजाने में भी यदि तेंदुआ आपके ऊपर से चले जाए तो एक नख में ही, उसका एक नाखून पड़ने पर ही आपके अंदर से रक्त निकलने लग जाएगा, इतने उसके तीक्ष्ण नाखून होते हैं और शक्ति भी होती है। और यहाँ पर वो जो बाघ था वो उसके ऊपर हल्का सा पैर रख के खड़ा हो गया, तो और उसके पश्चात भी उसके कुछ नहीं होने दिया। तो क्यों, तो यही मंदोदरी जी कहती हैं कि बाघ भी सन्मुख आने पर नहीं मारता है, सामने आने पर तो बाघ भी नहीं मारता, और लोग कहते भी हैं अकारण कोई किसी को पशु भी नहीं मारते,
पशु भी जब अपने आप पर खतरा अनुभव करते हैं तब मारते हैं, लेकिन वो तो लंबा पड़ गया था, वो पशुओं के लिए खतरा था ही नहीं, तो पशु ने उसे मारा नहीं और वहां से चल दिए। तो इसलिए मंदोदरी जी कहती हैं कि जब पशु भी नहीं मारते तो भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आप चले जाओगे, वो तो दयालु हैं, वो आपको शरण क्यों नहीं देंगे। तो ये था बंधुओं आज का विषय, बड़ा ही रोचक, तो जिससे आपको ये पता पड़ेगा भगवान श्री राम जी बहुत दयालु हैं। दूसरे दूसरे लोग भी जिन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं, बात नहीं की, उनका व्यवहार समझते हैं कि इतने दयालु हैं, और बाघों का भी व्यवहार आपको बताया इसमें। तो बंधुओं धन्यवाद, जय श्री हरि।